Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Bee. Today I am going to discuss about pernicious anemia. I will elaborate its definition, risk factor, causes, signs and symptoms, its diagnostic evaluation and its treatment. First of all, I will discuss about its definition. Anemia is a medical condition in which the blood is low and normal red blood cells. Pernicious anemia, one of the causes of vitamin B12 deficiency anemia, it is thought to mainly caused by autoimmune process that make a person unable to produce a substance in the stomach called insulinic factors. The substance is needed to absorb dietary vitamin B12 in the small intestine. Vitamin B12 is a required nutrient that help allow proper red blood cells production and function in the body. एनीमिया क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है. इसमें ब्लड की जो लेवल होता है, ब्लड का लेवल लो हो जाता है. नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है. परनीशियस एनीमिया का मेन जो कारण होता है वो क्या है? अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण पेशेंट को परनीशियस एनीमिया हो जाता है. परनीशियस एनीमिया का दूसरा कारण क्या है कि ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है. इसमें पेशेंट जो अनएबल हो जाता है कि वो सब्सटेंस जो होते हैं स्टमक में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उसके कारण भी पेशेंट को परनीशियस एनीमिया होता है. इंसुलिनिक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, इंसुलिनिक फैक्टर क्या होते हैं? इट इज़ दी ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय अ पार्शियल सेल्स लोकेटेड एट द गैस्ट्रिक बॉडी एंड फंडस. इट प्ले एन क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन B12. इंसुलिनिक फैक्टर क्या होते हैं कि हमारी स्टमक में जो गैस्ट्रिक बॉडी और फंडस होते हैं वहाँ पर लोकेटेड होते हैं पार्शियल सेल्स. पार्शियल सेल का मेन काम क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन की क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. और इंसुलिनिक फैक्टर जो है वो उसका मेन और क्रूशियल रोल क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और अब्जॉर्प्शन करते हैं किसकी? विटामिन B12 के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. बट इन केस क्या होता है कि परनीशियस एनीमिया में इंसुलिनिक फैक्टर जो होते हैं वो अनएबल हो जाते हैं अपने जो काम को करने में, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन और अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन B12 के, उसके कारण पेशेंट को परनीशियस एनीमिया हो सकता है. परनीशियस एनीमिया इज अ रेयर कंडीशन. इसकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी रेयर होती है. रेयर पर्सन में परनीशियस एनीमिया होता है. इट अकर इन 0.1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन. अगर हम जनरल पॉपुलेशन ग्लोबली बात करें तो 0.1% में ये प्रॉब्लम होती है परनीशियस एनीमिया की, और 1.9% इन द पीपल हु आर ओल्डर देन 60. मीन्स जो 60 से अबव होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है. उसका कितनी परसेंटेज होती है? 1.9. According to 2012 studies trusted sources in the Journal of the Blood Medicine, इसके according अगर हम बात करें तो इसकी percentage जो होती है वो 0.1 general population है. और अगर हम बात करें कि ये older age में हो जाते हैं, aged होते हैं 60 से above, उनकी कितनी होती है percentage? 1.9. However, up to 50% of the anemia from विटामिन B12 डेफिशेंसी इन अडल्ट. अडल्ट में मेनली क्या होता है कि अगर उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण पेशेंट को परनीशियस एनीमिया होता है. इसमें प्रॉपरली स्टडी की गई है 2012 में. नेक्स्ट, इट्स कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर. परनीशियस एनीमिया इन्वॉल्व ऑटोइम्यून इन्फ्लामेशन इन द स्टमक एंड इनएबिलिटी टू अब्जॉर्व विटामिन B12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. परनीशियस एनीमिया में मेनली क्या होता है, क्यों होता है परनीशियस एनीमिया? क्योंकि ये क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या होता है कि जो स्टमक होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है. अगर उसमें इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाएगा. उसकी अब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन की जो होती है एबिलिटी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इनएबिलिटी हो जाएगी. तो उसके कारण क्या होगा कि जो विटामिन B12 की प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो उसके कारण पेशेंट को परनीशियस एनीमिया हो सकता है. वाइल विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन B12 इन अ डाइट. समटाइम क्या होता है कि पर्सन अपनी डाइट में B12 की प्रॉपरली जो रिक्वायरमेंट होती है उसको नहीं अचीव करते. विटामिन B12 जो होता है मोस्टली नॉन वेज फूड में होता है, और जो वेजिटेरियन है वो समटाइम इससे सफ़र करते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली डाइट में नहीं ले पाते. इसके कारण उनको परनीशियस एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है.
There are two causes of pernicious anemia, autoimmune and genetics. इसमें जो मेनली टू कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑटोम्यून एंड जेनेटिक्स. ऑटोम्यून में क्या होता है कि इम्यूनिटी होती है, अगर किसी की वीक हो तो उसके कारण पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है. जेनेटिक्स, उसके पेरेंट्स से जीन से थ्रू जो पर्नीशियस एनीमिया है वो ट्रांसफ़र हो सकता है. पर्नीशियस एनीमिया अक्कर वैन द स्टमक कांट मीन्स जो स्टमक होती है वो अनएबल हो जाती है, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं करती. इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन अब्जॉर्प्शन का काम होता है वो नहीं कर पाती. उसके कारण क्यों नहीं कर पाती? अगर उसमें स्वेलिंग हो जहाँ पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी पेशेंट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉपरली अब्जॉर्प्शन नहीं होगी. तो पेशेंट को क्या होगा, जो वाइटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी अच्छी तरीके से, तो उसके कारण पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है? डायबिटिक, अगर पेशेंट डायबिटिक type 1 डायबिटिक है पेशेंट को, तो उसके कारण भी मीन जो डिपेंडेंट नहीं होते डायबिटिक पे उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके कारण भी पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, अगर किसी का जो पैराथायरॉयडिज्म ग्लैंड होती है अगर उसकी प्रोडक्शन प्रॉपरली ना हो, हार्मोन की प्रॉपरली प्रोडक्शन ना हो, तो उसके कारण भी पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट इज एडिसन डिसीज. व्हाट इज एडिसन डिसीज? आई विल एलैबोरेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनल इनसफिशेंसी इज एन अनकॉमन इलनेस डैट अकर वेन द बॉडी डजेंट मेक इनफ ऑफ द सर्टन हार्मोन. इन दिस केस The adrenal gland make too little cortisol and too little of another hormone, aldosterone. Addison disease में mainly क्या होता है कि जो adrenal होती है वो insufficient हो जाती है अपने hormones को produce करने में. इसमें क्या होता है, जो cortisol और aldosterone होते हैं वो उसकी जो production होती है वो काफ़ी less हो जाती है, तो उसके कारण patient को pernicious anemia हो सकता है. Next is Graves' disease. ग्रेव डिसीज़ में क्या होता है, ये भी एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है डैट रिजल्ट इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड इसकी होती है थायराइड ग्लैंड, वो क्या करती है, ओवर प्रोडक्शन करती है हार्मोन्स की. एडिसन में क्या था, लेस सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रीनल ग्लैंड. और ग्रेव्स में क्या होता है, इट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन. Then I'm talking about this risk factor. Some people are more likely than other to develop pernicious anemia. Risk factor include family history. अगर किसी को family history है, उनके parents को, उनके grandparents को pernicious anemia की problem है, तो उसके कारण भी वो genes के through transfer हो सकती है. Being of northern European, जो northern European है उनमें काफ़ी ज़्यादा vitamin B12 की deficiency रहती है, diet में वो properly नहीं लेते, तो उसके कारण भी pernicious anemia हो सकता है. diabetic, अगर किसी को type 1 diabetic mellitus है तो उसके कारण भी pernicious anemia हो सकता है. stomach removed हो, अगर किसी के stomach के कुछ part fundus वगैरह remove हो, तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो absorption की power होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके कारण भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है. बीइंग 60 इयर्स और ओल्डर, 60 इयर्स से अगर ऊपर कोई है एज्ड के कारण उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि ड्यू टू द इंक्रीजिंग एज जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं वो उसका जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसके कारण भी pernicious anemia हो सकता है इन दी ओल्डर एज. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ pernicious anemia? द प्रोग्रेशंस ऑफ pernicious anemia इज टिपिकल स्लो. इट मे बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स बिकॉज यू मे हैव बिकम यूज्ड नॉट फीलिंग वेल. कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड फटीक, वीकनेस, हेडेक, चेस्ट पेन, वेट लॉस. अगर किसी को pernicious anemia की प्रॉब्लम है तो काफ़ी वो थकावट फील करेगा, लो फील करेगा, डिजीनेस होगी पेशेंट को, वीकनेस फील होगी, हेडेक हो सकती है, उसके चेस्ट में पेन हो सकती है, और उसका वेट होता है वो धीरे धीरे कम हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, स्किन अल्ट्रेशन हो सकती है, पेल
पेल स्किन हो सकती है, मीन येलो स्किन हो सकती है पेशेंट की इन मोर सीवियर और प्रोलॉन्ग केसेस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग केस ड्यू टू परनीशियस एनीमिया. पीपल मे हैव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. पेशेंट में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है. न्यूरोलॉजिकल जो उसका सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है. उसमें कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होंगे? अनस्टडी गेट मीन्स पेशेंट का बैलेंस नहीं रहता, वो गिर सकता है. पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है. पेशेंट की नमनेस हो सकती है, उसके आर्म लेग्स में नमनेस हो सकती है, सुन्न हो सकते हैं हाथ पांव, मसल्स वीकनेस होगी. डिप्रेशन की सिचुएशन हो सकती है पेशेंट को. मेमोरी लॉस हो सकती है. और डिमेंशिया मींस उसके जो न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है न्यूरोलॉजिकल उसका वो डिस्टर्ब हो सकता है इस कंडीशन में. परनीशियस एनीमिया अगर किसी को हो तो उसके कारण ये वाले सिम्टम शो हो सकते हैं पेशेंट को. अदर सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी: नॉजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हार्ट बर्न. दीज आर दी अदर सिम्टम्स ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी मीन्स परनीशियस एनीमिया. देन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इट्स डायग्नोसिस. अगर पेशेंट को परनीशियस एनीमिया है तो हम कौन कौन से डायग्नोज कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के? कंप्लीट ब्लड काउंट. दिस टेस्ट कैन स्क्रीन फॉर एन एनीमिया इज जर्नल बाय लुकिंग एट सच थिंग्स एज हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट लेवल. इसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट लेवल चेक करेंगे. वाइटामिन B12 लेवल, पेशेंट का वाइटामिन B12 लेवल चेक करेंगे, उसकी रेशो चेक करेंगे. इंस्ट्रीनिंग फैक्सेस एंड पार्शियल सेल्स एंटीबॉटिक्स. द ब्लड इज टेस्टेड फॉर एंटीबॉडी इंस्ट्रीनिंग फैक्टर एंड अ स्टमक पार्शियल सेल्स. देन इट्स ट्रीटमेंट फॉर परनीशियस एनीमिया. द ट्रीटमेंट फॉर परनीशियस एनीमिया इज अ टू पार्ट प्रोसेस. फर्स्टली वाइटामिन B12 इंजेक्शन दैट आर फॉलो क्लोजली ओवर टाइम फॉलोइंग द ब्लड लेवल ऑफ द ब्लड वाइटामिन B12 ओवर द कोर्स ऑफ थेरेपी मेकिंग एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग इन वाइटामिन B12 डोजेस. सो गाइस इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे. आई डिस्कस्ड अबाउट परनीशियस एनीमिया, इट्स डेफिनेशन, कॉस्ट इफेक्टर, रिस्क फैक्टर, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड इट्स ट्रीटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड माई टॉपिक. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.